ब्लैक फंगस, इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या है ये ब्लैक फंगस और भारत में ब्लैक फंगस का आक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? क्या मुझे भी ब्लैक फंगस होने का खतरा है? ऐसी कई सारे सवाल आपके मन में भटक रहे होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सारे बातें आपको इस समय मालूम होनी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखने से आप हम पर नहीं बल्कि खुद पर एहसान कर बैठोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको ब्लैक फंगस से संक्रमित होने का खतरा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ब्लैक फंगस आखिर होता क्या है। म्यूक्रोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन म्यूकोरमाइसिटिस की वजह से होता है। इस फंगस के स्पोर्स हवा में तैरते हुए पाए जाते हैं, और अगर आपने गलती से भी इन स्पोर्स को इनहेल कर लिया तब आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। पर जरूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो इन स्पोर्स को इनहेल करे उन्हें ब्लैक फंगस हो जाएगा, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफी के एक आर्टिकल के मुताबिक अगर आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्लैक फंगस का खतरा आखिर किन किन लोगों पर मंडरा रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार जिन कोविड पेशेंट्स को इलाज के लिए आईसीयू के अंदर रखा जाता है, काफी हाई चांसेस है कि वो पेशेंट्स ब्लैक फंगस से संक्रमित हो जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों की अनकंट्रोल डायबिटीज है अथवा जिनका इम्यून सिस्टम स्टेरॉइड यूजेस के वजह से कमजोर हो चुका है, उनको ये बीमारी हो सकती है। ब्लैक फंगस एक रेयर इन्फेक्शन है पर काफी जानलेवा साबित हो सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अनुसार अगर कोई ब्लैक फंगस से संक्रमित होने के बाद इलाज लिए बगैर रहता है तो 80% संभावना है कि उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन अगर कोई ट्रीटमेंट लेता भी है तो 40-50% संभावना है कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। ब्लैक फंगस पहले हमारे फॉरहेड, नोज, चिक्स या फिर दोनों आंखों के बीच एक स्किन इन्फेक्शन की तरह प्रकट होते हैं। देखते ही देखते ये इन्फेक्शन हमारे आंखों के अंदर, फेफड़ों में, यहाँ तक कि हमारे दिमाग में भी फैल सकते हैं। यही वजह है कि क्यों ब्लैक फंगस के मरीजों को डेलिरियम, मेमोरी लॉस, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट और एक बदली हुई मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ता है। इस बीमारी के सिम्टोम्स की बात करें तो मरीजों में बुखार, सर दर्द, आंखों में लालपन, सांस लेने में तकलीफ, चेहरे की सूजन, धुंधली दृष्टि, यहाँ तक कि खून की उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इंडिया में ब्लैक फंगस एक भयानक रूप से फैल रहा है। कोरोना खत्म होने से पहले ही हमारे देश पर एक और भारी समस्या आ चुकी है। लोगों ने इस परिस्थिति को एन एपिडेमिक विदिन एन एपिडेमिक का नाम दिया है। इंडिया में अब तक 8,848 ब्लैक फंगस के केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 200 से भी अधिक लोगों की जान चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में आखिरकार ब्लैक फंगस इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है। इसका सटीक कारण अब तक सामने नहीं आया है, पर कुछ कारणों की चर्चा अवश्य हो रही है। कारण हो सकता है कि इंडिया को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स इंडिया में ही पाए जाते हैं। और हम इस वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि डायबिटीज के मरीजों को ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादा रहता है। एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर पी शरद चंद्र की माने तो स्टेरॉइड्स के प्रणालीगत उपयोग भी एक कारण हो सकता है। खुशी की बात यह है कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये कंफर्म किया है कि ब्लैक फंगस नॉन कॉन्टेजियस है, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक स्प्रेड नहीं हो सकते जैसे कोरोना वायरस के केस में होता है। हमें बहुत खुशी है कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और हमारे साथ अंत तक बने रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो पे। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड स्टे ट्यून्ड।